तो मुझे बस कल तक का इंतजार है। ये जाली है, ये है जूस निकालने वाली जो जाली होती है। ड्रॉअर में एस्ट्रो बैठ के सुन रहे हैं। चले नीचे, चल हवा कर, हवा हवा खा ले, हवा एकदम तैयार है नीचे जाने के लिए। चल एकदम चल 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 आ जाओ, चल मम्मी इतना डर गई है एस्ट्रो से। चप्पल जो फाड़ दी है, नई चप्पल फाड़ी है मम्मी की, अभी ये दूसरी नई निकाली है ये वाली। एक इतनी अच्छी थी, हाँ चल रहे हैं। एक इतनी अच्छी थी वेलवेट की पूरी और उसमें पूरा वर्क किया हुआ था, वही चप्पल फाड़ी है जो मम्मी को ज्यादा पसंद थी। अब तो मम्मी डर के मारे यहाँ चप्पल रख रही है। चलो 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 नीचे नीचे घूमी घूमी, खुश हो जाता है नीचे जाने से। दोनों जन संग में जा रहे हो। हे एस्ट्रो यहाँ तो देख, फूक रहा है, फूकने से शटर खुल जाएगा। मुंह हटा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज़ रचना। आई अपलोड हियर एवरी डे अबाउट होम मेकिंग एंड माय लाइफस्टाइल टू। इफ़ यू लाइक सच कंटेंट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर माय अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़। और इस ब्लॉग को मैंने मंडे रात से स्टार्ट किया है। इस टाइम पे अच्छी हवा चल रही है और एस्ट्रो के मतलब बहाने से हम लोगों की भी वॉकिंग अच्छी हो जाती है। सो रात के 11 बजे का टाइम हो रहा था और मैं और आंचल इसको नीचे वॉक कराने के लिए लेके आए थे। मैंने सोचा था कि कुछ नहीं तो 40 मिनट पौन घंटा वॉक करेंगे, बट 2 से 3 राउंड लगाने के बाद एस्ट्रो की तो जीभ लटक गई थी, इतना ज़्यादा थक गया था। शायद गर्मी का समय है इसलिए, और एस्ट्रो के बहाने हमारी बहुत अच्छी वॉक होती है, स्पेशली मेरी। क्या है, चलो 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 मुश्की, वेरी गुड बॉय। चलो 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 चलो, पीछे घूम घूम के देखता है कि तू आ रही है, मेरे से कोई मतलब नहीं। नहीं नहीं आपसे है, तभी तो अभी मेरे हाथ से छुटा के भागा पूरा। चलो चलो क्या आ जाओ। और बस नीचे तकरीबन हम लोग आधा घंटा 35 मिनट थे और एस्ट्रो के साथ साथ मतलब रनिंग का कंपटीशन चल रहा था और आपको पता है उसमें मैं जीत गई। इसलिए शायद जीत गई कि गर्मी का समय है और एस्ट्रो बहुत ज़्यादा थक जा रहा है। तो बस यहाँ ऊपर आ गई थी और ये कुछ सामान, ये तो खैर मंगाया है अमेज़ोन से, और बाकी का सामान जो लोकल मार्केट है हमारा वहाँ से लेकर के आई। नहीं है कि एक मंगाया है, एक ही मंगाया है। इतना बड़ा ये ऐसा थोड़ा ही होता है। ये तो चादर के साइज का है। कलकत्ता में जो मिलता है वो ऐसा थोड़ी है। अरे भगवान, हाँ ये इस ताक में, जल्दी जल्दी बाहर निकल, ये इसको लेके रहेगा, देख और फाड़ देगा। ये जाली है। ये है जूस निकालने वाली जो जाली होती है, आंचल ने मंगाई है ऑनलाइन से, जिसमें जैसे अरे वो फल या एबीसी जूस जो भी पीती है वो इसमें छानने के लिए। कोलकाता में मिलती है एक बैग टाइप की,
ऐसे लटकाने की भी रहती है 20 या 30 रुपए की, और कितने समय जाती है, जाली बहुत अच्छी रहती है उसकी। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कि कुछ टॉवल के साइज का हो। ये जाली है ये जाली है कि टॉवल है? और ये वो है, अरे मलमल टाइप का जो कपड़ा होता है, ये वैसी जाली नहीं है। ये जूस की नहीं है क्या? नहीं, निकाल सकती है तू, लेकिन ये वो चीज नहीं है जैसी मैं लेकर आती हूँ। बड़े बाजार जाएंगे तब लेके आएंगे। और ये तो जो घर के पास जो 1 किलोमीटर दूर पे मार्केट है, वहां गए थे मैं और मम्मी, तो ये कुछ सामान जरूरी थे। कल ऐसा वाला जो मेरा था ब्लू कलर का, छन्नी नहीं थी वो था ऐसे जो प्लास्टिक से बनी हुई रहती है, वो पूरा टूट गया कल, इसी की वजह से टूटा है, एस्ट्रो की वजह से। ये बहुत काम में आ जाती है। एक ये लेकर आई हूँ, ये कितना 60 रुपया, तो इसका प्राइस मुझे लगा कि ज्यादा ले लिया है। और एक ये ले लिया है, ये अच्छा है, मजबूत है। ये है 325 रुपये, काफी हैवी है, स्टील इसकी, काम भी आएगा ये, अच्छा है। ऐसा कुछ मेरे पास था भी नहीं। ऐसी वाली दो ट्रे ले ली है चाय वाय कुछ पीने के लिए, बहुत हल्की सी है ऐसी मिल रही थी यहाँ पे। और ये डस्टबिन में लगाने के लिए पॉलिथिन, एक ये नया लिया है वॉशरूम वगैरह क्लीन करने के लिए, नीचे से एक है, एक एक्स्ट्रा में लाके रखा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ली है छाते, छाता है नहीं, धूप में जैसे निकलो तो बहुत जरूरी है, बारिश हो धूप हो, छाता था ही नहीं, तो ये दो छाते ही है। और ये लिक्विड वाला, ये मैं पहले कभी यूज नहीं करती थी, बर्तन वर्तन धोने के लिए मैं स्टार्टिंग से साबुन ही यूज करती हूँ, ये अब ये यूज करने लग गई हूँ, ये अच्छा लगता है। जरा सा डालो खूब सारा घोल बन जाता है और उससे बहुत सारे बर्तन धुल जाते हैं, तो ये दो बड़े ले आई। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्कॉच ब्राइट, और ये एक लेयर, बस यही कुछ सामान लेकर आई हूँ। और अब बस मुझे कल तक का इंतजार है क्योंकि ये जो बर्तन मैंने धो के रखे फिलहाल, तो अभी मैं उठा के इनको रख दूंगी पहुंच के, बस कल से, शायद कल की डेट दिखा रहे हैं, कल झूड़ी आ जाएगी, यानी कि बास्केट बर्तन रखने की, और वो नीचे ट्रे वाली, तो उसमें पानी जो जाम होगा वो गिरा देंगे। अदरवाइज ये जो आप देख रहे हैं ये जो ग्रेनाइट है यानी कि काउंटर, तो इसमें ये जो बाउंड्री रहती है वो नहीं है, आजकल ऐसे ही चलता है। लेकिन वो क्या है कि अगर 2-4 कटोरी या ग्लास भी धो के रख दो तो पानी गिर गिर के नीचे आ जाता है। और यहाँ पे अगर जैसे कि 1-2 इंच की बाउंड्री भी उठा के ग्रेनाइट से रखो तो वो नहीं आता है, वो ठीक रहता है, वो सही है। बर्तन तो इतने होते हैं कि कहने की बात नहीं है। ये वो है चीज क्लॉथ जो आता है, क्या बोलते हैं, शायद मलमल का ही कपड़ा बोलते हैं। अब ये काम का तो बहुत है, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा हम लोग बड़े बाजार से लेकर आते हैं जूस वगैरह छानने के लिए, ये वो चीज नहीं है। छन तो इससे भी जाएगा, लेकिन उससे बहुत सही छनता है क्योंकि स्टार्टिंग से वही यूज किया है, और ये भी बहुत काम की चीज है। बस इसको ले जा रही हूँ। सो फिलहाल मुझे तो सच में ही कल का बहुत इंतज़ार है, क्योंकि वो बास्केट आ जाएगी तो मुझे किचन में बहुत हेल्प हो जाएगी। अदरवाइज़ 2-4 कटोरी ग्लास भी धो के रखो तो पानी नीचे पूरा गिरने लगता है, तो वो आ जाएगी तो उससे ठीक रहेगा। और उसके बाद बस मुँह हाथ धो के मैंने नाइटी चेंज कर ली थी, और ये जो मेरा रात का जो स्किन केयर रहता है बस वो कर रही हूँ। तो फिलहाल मैंने बादाम का तेल तो नहीं लगाया था, क्योंकि मैं थोड़ा मौसम देख के ही लगाती हूँ, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और वो चिपचिपा बहुत हो जाता है। सो यहाँ अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र, तो ज़्यादा गर्मी रहती है तो फिर बादाम का तेल और उसमें जो मैं विटामिन ई मिक्स करके लगाती हूँ, तो विटामिन ई खुद ही इतना ज़्यादा चिपचिपा और थिक ऑयल होता है,
गर्मी भी बहुत पड़ रही है इस वजह से सिर्फ मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है और थोड़ी सी मसाज की है। तो अगर डेली बेसिस पे नाइट में भी जैसे रात में भी अगर इतना सा भी स्किन केयर कर लिया जाए तो स्किन काफ़ी हद तक सही रहती है और हेल्दी रहती है। और दूसरे दिन मुझे करना था शैम्पू, यानी कि ट्यूसडे आज, तो ये रात में मैंने ऑयलिंग की है और ये मेरे ही मतलब हाथों का बनाया हुआ तेल है। ये मैं गैस पे गरम करके काफ़ी चीज़ें थोड़ा डाल के ठंडा करके छान के और स्प्रे बॉटल में भर लेती हूँ। तो ये पुरानी स्प्रे बॉटल है, ब्यूटी रिलेटेड ही इसमें कोई सामान आया था तो बॉटल अच्छी थी इस वजह से मैंने भर लिया और बस स्कैल्प में लगा के थोड़ा हल्का सा जैसे मसाज कर लेती हूँ। तो वही है कि जैसे बहुत साल पहले से जैसे बाल रहते हैं दोबारा वैसे वाकई में नहीं हो पाते हैं, मगर जो हैं वो सही से रहें, हेयर फॉल थोड़ा कंट्रोल हो, सही रहें, तो वही कोशिश हम सभी की रहती है, मेरी भी और आपकी भी। तो आने वाले व्लॉग में मैं अपने तेल का भी शेयर करूंगी कि मैं क्या डाल के बनाती हूं। और बस यहां ऑयलिंग करके अच्छे से कम 10 से 15 मिनट अपने स्कैल्प पे मसाज की है और उसके बाद में फिर मैं आराम से सोई हूं। और थोड़ी सी खुद ही मसाज कर लो तो नींद भी अच्छी आती है। तो बस यहां मसाज करने के बाद में फिर मैंने लाइट ऑफ की है और मैं सो गई हूँ। मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि ट्यूसडे मंगलवार की सुबह। सो नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस यहाँ नहा ली थी और नहाने के बाद मैं जा रही हूँ पूजा करने। और ये वाली जो वन पीस ड्रेस मैं पहनी हूँ ये आप सब में से काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आई थी, तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी और जस्ट फॉर रुपीज़ 700 रुपये के अंदर ही आ गई थी। और यहाँ मुझे हंसी आ रही है, मम्मी एक पॉलीथीन बाहर से मतलब अंदर बाथरूम के दरवाजे के पास से लेकर आई और बोला कि इसको चीड़ फाड़ करके पूरा एस्ट्रो ने फेंक दिया। तो हमारी मम्मी काफ़ी उससे डरी हुई हैं क्योंकि मम्मी की चप्पल भी फाड़ दी है और जो सामान उसको मिलता है वो तो चीड़ फाड़ करता ही है, ये आदत तो है हमारे एस्ट्रो की। सो बस यहाँ पे मैं मंदिर में आ गई हूँ और पूरे ही घर में मैंने गंगा जल का छिड़काव किया, उसके बाद आरती कर चुकी हूँ और फिर मैंने पूरे घर में धूप घुमाई है। और ये मैं अप्लाई कर रही हूँ सनस्क्रीन, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कम से कम 2 पंप तो सनस्क्रीन का लिया ही कीजिए। तो इतना सा स्किन केयर मैं डेली करती हूँ, एक तो मेरा नाइट रूटीन रहता है, एक मॉर्निंग का रहता है और खाना बनाने जाती हूँ फिर भी मैं दोबारा से थोड़ी सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ। तो इतना सा ही करने से स्किन मेरी काफ़ी सही रहती है और सिर्फ जैसे ऊपर से खाली क्रीम लगाने से नहीं रहता है, इनटेक आप क्या करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो ही एक्चुअल में मैटर करता है। और पानी मैं एक दिन में काफ़ी पीती हूँ, कम से कम 3 लीटर के करीब मैं पानी पीती हूँ, तो काफ़ी कुछ ध्यान रखती हूँ तो स्किन भी ठीक रहती है। और संध्या मासी आ चुकी हैं, संध्या मासी इज़ बैक। 8 से 9 दिन के लिए गई थी वो अपने गांव और आज ही सुबह आई हैं, तो मैंने बोला कि जो साग सब्जी है वो मुझे आप दे दीजिए तो मैं काट के दे देती हूँ। वो तो रहती हैं तो हेल्प काफ़ी हो जाती है, अब जैसे बीच में बीमार पड़ गई थी तो वो रहती तो अच्छी खासी हेल्प कर देती हैं बिना बोले, तो बस यहाँ पे काट के दे दिया था। और एक्वा गार्ड में कुछ थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम नज़र आया तो उन्हीं को बुलाया था, बट प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था, यहाँ पर भी आयरन बहुत ज़्यादा है तो पानी का जो TDS लेवल होता है वो काफ़ी बढ़ गया था जिससे वो पीने में सही नहीं लग रहा था। इसको पकड़ के मैं लेके गई तो इसका यही रहता है और इसको बिल्कुल भी लीश नहीं लगाने देती है आँचल, मतलब इसको बांधने नहीं देती है, चाहे जो हो जाए एस्ट्रो को लीश से बांधना बिल्कुल भी नहीं है, आंचल नहीं करने देगी ये चीज़। तो इसको पकड़ पकड़ के लेके जाती हूँ मैं और इसीलिए ये बहुत सर चढ़ गया है, आंचल ने इसको सर चढ़ा लिया है। यहाँ मैं दोबारा से अपनी चाय बना रही हूँ क्योंकि गले में ज़रा प्रॉब्लम है ही, पूरी तरीके से अभी ठीक नहीं हुआ है मगर पहले से आराम है, तो आवाज़ भी थोड़ी बैठी हुई है, बस वही काली मिर्च वगैरह डाल के थोड़ा अदरक के साथ में मैंने चाय बनाई है दोबारा से। और एक साइड में ये बन रहा था करेले की भुजिया, तो खाने में अगर करेला इंक्लूड हो जाता है तो पता नहीं ऑटोमेटिकली खाना मुझे अच्छा लगने लगता है। वन ऑफ माय फेवरेट वेजिटेबल, मेरी फेवरेट सब्जी है करेला,
अब कड़वी तो लगती है मगर पता नहीं, ये मुझे बहुत पसंद है करेला, चाहे कैसा भी बन जाए, स्पेशली भरवा करेला। सो यहाँ बस चाय अच्छी तरीके से पकाने के बाद में पी है मैंने, और उसके बाद में वो जो साड़ियाँ उस दिन मैंने आपको दिखाई थी तो ये अभी तक ऐसी रखी हुई थी, और 12 ही ये एक दर्जन आ गए थे ये हैंगर, तो और मैं आने का वेट कर रही थी बट वो कैंसिल पे कैंसिल हुए जा रहा है। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि आप जा रहे हैं बैंक तो वहाँ से जो आने के टाइम पे मार्केट पड़ेगा तो 2 दर्जन हैंगर ले लीजिएगा अगर मिल जाए तो। तो फिलहाल आ गए हैं, अभी कुछ ही देर पहले आए हैं, तो बस तब तक ये 12 ही हैंगर थे तो मैंने सोचा इन्हीं को टंगा लूँ, साड़ी को हैंग कर दूँ। और ये मेरा साड़ी का कलेक्शन है, बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, बट ये है कि कहीं आओ जाओ तभी ये सब साड़ियाँ पहने, तो काफ़ी अच्छी साड़ी है ये, इसमें पूरा बीड्स का काम है, तो काम कड़ी साड़ी हैं। और डेली में तो मैं वैसे भी साड़ी नहीं पहनती हूँ, कहीं आने जाने के लिए अगर कलेक्शन देखें तो अच्छा कलेक्शन है मेरे पास में। और अभी जो दूसरी वाली साड़ी आएगी वो पूरी वेलवेट की साड़ी है, ये मैंने अमन की शादी में पहनी थी साड़ी को, तो काफ़ी संभाल के रखी है, उसके बाद भी मैंने 2-3 बार पहनी है मगर बहुत सुंदर है। यही वो साड़ी है, पूरा वेलवेट का वर्क है और स्टोन वर्क है इसमें, इसका ब्लाउज़ भी बहुत सुंदर है। तो बस इनको फटाफट मैंने हैंगर में करके लगाया है, फिलहाल 12 जो हैंगर थे तो 12 साड़ियाँ तो मैंने लगा ली, क्योंकि एक हैंगर में एक ही साड़ी लगाओ तो अच्छी मतलब सेट ठीक रहती है, 2 रहती हैं तो वो गिरती पड़ती रहती है। और यहाँ मैंने वो 12 के 12 हैंगर में 12 साड़ियाँ लगा दी थी, उसके बाद दोपहर को मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी। और वो जो एक ऑर्गेनाइज़र मैंने आपको दिखाया था जिसमें ब्लाउज़ वगैरह सेट करके रखे थे, तो उसमें ब्लाउज़ भी लगा दिए मैंने, क्योंकि काफ़ी साड़ियों में मैंने ब्लाउज़ साथ में ही तय बना के रखे हुए थे। बस ये काम हो जाता है ना तो लगता है कितना बड़ा काम हो गया। सो बस यही काम करने के बाद तो मैं तो भाई फ्री हो गई थी। चलिए मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।